बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे। होली रंगों का त्योहार है। लोग रंगों के इस त्योहार पर तमाम गिले शिकवे भूल कर गुलाल और कई तरह के रंगों से होली खेलते हैं, लेकिन अब रंगों में केमिकल का भी बड़े पैमाने में इस्तेमाल हो रहा है। ये रंग आपकी त्वचा से लेकर आपके मस्तिष्क को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ रंगों की वजह से आंखों को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। आप होली का त्यौहार मनाइए और जमकर खुशियाँ बांटिए, लेकिन रंग खेलते वक्त कुछ सावधानियाँ जरूर रखें। होली खेलते समय ऑर्गेनिक और हर्बल रंग को इस्तेमाल ना करें, ना कि सिंथेटिक रंगों का। ये रंग सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि आपके द्वारा खरीदा गया हर्बल गुलाब जहरीले रसायनों से मुक्त होता है। आइए जानते हैं, हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। अजय कुमार सिन्हा, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लखनऊ कुमार के मेडिसिन डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि होली बहुत अच्छा पर्व है और इसको बहुत अच्छे ढंग से मनाया, लेकिन जो बाजार में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो रंग आजकल मिल रहे हैं उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। और आपको पता है कि जैसे ग्रीन रंग है तो क्या का इस्तेमाल होता है, जो आंखों की रोशनी को ले सकता है। कुछ ऐसे कलर हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड सिल्वर जो सिल्वर कलर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, उससे कैंसर हो सकता है। कुछ ऐसे कलर हैं इनऑर्गेनिक बाजार में जिससे बच्चों के ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, उन्हें कैंसर हो सकता है। तो जो पहले होली का रंग में इस्तेमाल होता था जैसे नीम, पलास और हल्दी, वो शरीर के और स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता था, स्फूर्तिदायक होता था। लेकिन कमर्शियलाइजेशन के बाद जो आजकल बाजारों में रंग आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहे हैं। तो रंग लेने के पहले जरूर देखें कि ये ऑर्गेनिक कलर है या इनऑर्गेनिक कलर है, टॉक्सिक कलर है।